हाय गाइस, मैं हूँ सौरदीप। गाइस, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है, पर ये इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि इसकी डेथ रेट बहुत कम है, इससे मरीजों की इतनी जान नहीं जाती। पर अभी कोरोना का और एक नया वेरिएंट आ गया है। चीन के वुहान के वैज्ञानिकों ने कोरोना के और एक नए वेरिएंट की चेतावनी दी है, जिसका नाम है न्यू कॉब, जिससे चिंताएं फिर से बढ़ गई है। दरअसल ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका के चमगादड़ों में मिलता है और ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि 3 में से 1 मरीज की जान ले लेती है। पर अच्छी बात यह है कि अभी तक ये इंसानों में नहीं फैला है, अभी तक इसका कोई एक भी मरीज नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक ये वायरस सिर्फ जानवरों में ही पाया गया है। पर फिर भी हम लोग को सावधान रहना है और कोरोना के नियमों को पालन करना है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना का नया वेरिएंट इंसानों में ना फैले। इसलिए जब भी घर से बाहर निकले, मास्क पहनकर ही निकलिए, जिससे आपकी और बाकी लोगों की भी सुरक्षा होगी। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।